अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी जगह दिखा चुकी हूँ चित्राल में, लेकिन अभी जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जगह जो हमारे चित्राल में बहुत खूबसूरत हैं, और लोकल जो घर है ना मैं वो दिखाऊंगी। हमारे प्यारे बच्चे हैं, इनका घर है और ज़बरदस्त सा घर है, तो ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर से पानी आ रहा है और ये घर के ऊपर से, ये ऊपर से आ रहा है ना कहीं से पानी, है ना, क्योंकि आपको बताया केसू में आप शारे बहुत हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया, कितने अच्छे तरीके से ये जो है सिस्टम को बनाया हुआ है। और ये सिस्टम ये देखें, यहाँ से पानी जा रहा है, ये इन्होंने अपने खेतों के लिए पानी यहाँ पे जमा भी किया हुआ है, और ये पूरा जो है, और ये देखें पूरे इन्होंने दरख्त भी उगाए हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि हम हमेशा कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कल्टीवेशन के लिए लोगों को बड़ा जो है बताया है, तो ये आप देखिएगा, ये किस चीज़ का, अनार का दरख्त है ना, यहाँ पर अनार का दरख्त है, फिर ये आप देखिए ये भी दरख्त उगाए, और यहाँ पर ये अखरोट का भी दरख्त उगाया हुआ है, तो ये जो है ये कल्टीवेशन के ये वाले दरख्त हैं। इस दरख्त का नाम क्या है, इस दरख्त का नाम क्या है, इस वाले दरख्त का, ये पानी कम पीता है ना, हाँ, क्या नाम है इसका, अलेंटिस, अलेंटिस इंग्लिश में, पर उर्दू में क्या था, वो नसर वाले बोलते हैं ना, फॉरेस्ट वाले बोलते हैं, क्या कहते हैं, अलेंटिस, अलेंटिस, नहीं आपने क्या बताया था, टेरिक, टेरिक, टेरिक चित्राली में है, और अलेंटिस जो है वो इंग्लिश में है। और यहाँ पर ये देखिए और भी बहुत सारे दरख्त हैं, आगे चश्मा जो है यहाँ से कंटिन्यूसली ये जो है चलता चला जा रहा है, जो वाटरफॉल है छोटी सी, इसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग कहेंगे ना। अच्छा, ये भी सारे जो हैं ये हैं अनार का दरख्त, तो यहाँ पे देखें सामने पहाड़ नज़र आ रहा है खूबसूरत। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ से अब आप चलते हुए जाएँ, पूरा बागीचा बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, दरख्त है, देखिए ये होता है एक फील, ये देखें ये जो फील है ना, ये मैं आपको लोकल के घर की फील बता रही हूँ। यहाँ पर ये जो है ना इनकी अपनी एक बनाई हुई फील है, पूरी एक फील भी है और फील्ड भी है, ये देखें यहाँ पे अपने इनके खेत भी उगाए हुए हैं। जिसके पास बड़ी ज़मीन है वो तो बड़ा काम यहाँ पे कर सकता है ना, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो उतना बना सकता है, उतना काम वो कर सकता है। ये देखिएगा यहाँ पे ये वाटर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर से चलता आ रहा है, जो मैं ऊपर से आपको आबशारें भी दिखाई थी केसू में, ये वो चलती भी जा रही हैं। अच्छा, जिस तरह ये एक दरख्त देखे काटा है ना, तो इसके बजाय उन्होंने 10, 12, 15, 20, 25 दरख्त और उगाए हैं। तो आपने इसी तरह ही करना है कि आपने दरख्त उगाए। देखिए पुराने घरों की खूबसूरती ये थी कि ये पत्थर से बने हुए होते थे, और पत्थर के साथ ये जो है ना मिट्टी होती है, मिट्टी बड़ी हार्ड होती है, मिट्टी जो होती है ना, और इसी के साथ बनाते हैं, बड़े अच्छे घर रहते हैं ये। ये आई थिंक ये मुझे पता नहीं किसका दरख्त है, देखिए ये देखें ऊपर अंगूर, जब अंगूर का टाइम आएगा तो आप ये देखें अंगूर पूरे ज़बरदस्त तरीके से, वाह, कैसे कैसे गुच्छे यहाँ पर होते होंगे अंगूर के, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ। लुक एट दिस अगेन, ये देखें पानी पानी चल रहा है यहाँ पर, और ये पूरे इधर जो है ना फील है। हम दिखाएंगे आपको गंदम के खेत यहाँ पर, इन्हीं के घर पे, इधर कौन से, ये वाला, वो उधर, वो नहीं, वो तो लोखाट है, लोखाट है, अच्छा वो लोखाट है। इधर उन्होंने बताया कि खुबानी भी है, और यहाँ पर इन्होंने गंदम खुद उगाते हैं, और गंदम की चक्की भी यहाँ पर होती है, खुद जो है ना चक्की पे पीसते हैं आटा, बेस्ट यहाँ पर लेके कि आप गंदम खाए। और ये जो है ये देखिए कितना पुराना दरख्त है, और ये है खुबानी का दरख्त। तो हम सबको ये कहते हैं कि ये अवेयरनेस देनी है कि यहाँ पे दरख्त जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उगाएँ, उनकी कल्टीवेशन करें, और चित्राल की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करें, और वेदर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करें।